डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। आज हुआ है सेकंड पाली का संस्कृत का पेपर। सेकंड पाली का संस्कृत का पेपर तो हम देखेंगे यहाँ पे, जिसका सेट कोड ई है। तो यहाँ पे देखेंगे ई के सारे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, आपका कोई भी हो उससे कोई दिक्कत नहीं, आप मिला लीजिए, आपने कितना सही किया। ये शुरू करते हैं। जो नए हैं चैनल पे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। पहला प्रश्न है, ये न विकार सूत्र का उदाहरण कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, सब पृष्ठे न कुंज अस्थि। यहाँ पे दूसरा नंबर देख लीजिए, पूर्व प्रधानों डॉट 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 खाली स्थान में कौन सा भरा जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष। यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं अगला प्रश्न, तीन नंबर प्रश्न है, किस समास का पहला पद विशेषण होता है? तो कर्मधारय के। यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं अगला प्रश्न, संस्कृतस्य साहित्य का विग्रह क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ए। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, संस्कृतस्य साहित्य तस्यम। यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, त्रिणयाय भुवन समारोह में कौन सा शब्द बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा पांच का, यहाँ पे त्रिभुवनम। यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 6 नंबर, नारित्रम नारितम किस संधि का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 6 का, राइट आंसर हो जाएगा ए। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्वर, सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, नारे प्लस आस्मिन से कौन सा शब्द बनेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नारेस्मिन। यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं अगला प्रश्न, गुण संधि का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नीलोपम। यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न, 9 नंबर, 9 नंबर प्रश्न है, वृथ्वय का विच्छेद क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 9 का ए। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन सी है? तो करमवीर कथा। यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न, 12 नंबर, 12 नंबर प्रश्न बोल रहे हैं, स्वामी दयानंद कौन थे? तो स्वामी दयानंद कौन थे, समाज सुधारक थे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, आर्य समाज संस्था के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा दयानंद। यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा कंटारा। यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए, वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है? तो राइट आंसर हो जाएगा मंदाकिनी। यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न, 16 नंबर, 16 नंबर प्रश्न है, सरसी अस्तनात्वा सुकुड़ंड गृहणा वाक्य का क्रियापद गृहणन किस लकार का है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका लोट। यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं अगला प्रश्न, 17 नंबर, 17 नंबर प्रश्न है, गच्छेद किस पुरुष का रूप है? तो राइट आंसर हो जाएगा 17 का ए, प्रथम। यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं अगला प्रश्न, 18 नंबर, ध्यान से देखिए, 18 नंबर प्रश्न है, राजसू में कौन सा विभक्ति है? तो राइट आंसर हो जाएगा 18 का बी, सप्तमी। यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं अगला प्रश्न, क किस शब्द का रूप है? तो राइट आंसर हो जाएगा किम। यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं अगला प्रश्न, 20 नंबर, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। 20 नंबर प्रश्न है, साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप कौन है? तो साधव। यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न, साहित्य ग्रंथों में किस संत संस्कार का नामांतरण है? तो गोदान। यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न, नीति श्लोक पाठ का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो राइट आंसर हो जाएगा विदुर नीति। यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 23 नंबर प्रश्न है, अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोस्त को त्याग देना चाहिए? तो 6। यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, 24 नंबर, रूप की रक्षा किससे होती है? तो किससे होती है, तो मृत्युंजय से। तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए, गायंती देवी फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब खाली स्थान पुरुषा सुरोत्ता, यह पद किस पुराण से है? तो विष्णु पुराण से। यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं अगला प्रश्न, भारत भूमि कैसी है? तो विशाल भी है, निर्मला भी है। तो
राइट आंसर हो जाएगा इसका तीनों, यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं अगला प्रश्न, 33 नंबर, 33 नंबर प्रश्न है, संस्कार कितने होते हैं, तो संस्कार 16 होता है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं 39 नंबर प्रश्न, अंतर्विष्ट संस्कार कब होता है, तो मृत्यु मरणोपरांत, तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिए अगला प्रश्न, देखिए 40 नंबर, 40 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिए, परिग्रहण किस संस्कार में होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 40 का, यहाँ पे ध्यान से देखिए, विवाह संस्कार, यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। 40 नंबर प्रश्न बोल रहा है, ध्यान से देखिए, भीकन टोला गाँव कहाँ है, तो राइट आंसर हो जाएगा बिहार, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न, 26 नंबर, ध्यान से देखिए, 26 नंबर प्रश्न है, मंगल पाठ में कुल कितने मंत्र थे, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 5, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिए अगला प्रश्न, 27 नंबर है, ध्यान से देखिए, हिरण्य पाठ फिलिंग द ब्लैंक्स, यह मंत्र किस उपनिषद से जुड़ा है, तो हिरण्य पाठ, तो ये राइट आंसर हो जाएगा ए, ईश्वर उपनिषद, यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ए, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं 28 नंबर प्रश्न, 28 नंबर प्रश्न है, पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन है, तो पटना का है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की है, तो कुटुनीतम, यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए, 30 नंबर, 30 नंबर प्रश्न है, पटना का इतिहास कितना पुराना है, तो 2500 वर्ष, यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, कृतवान में कौन सा प्रत्यय है, तो राइट आंसर हो जाएगा वक्तु, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं अगला प्रश्न, किस शब्द में दा प्रत्यय नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा इसका बहुधा, यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए, 32 नंबर, 32 नंबर प्रश्न है, 32 नंबर किस, 32 नंबर हो गया, 33 नंबर प्रश्न है, लघुतम में कौन सा प्रसिद्ध प्रत्यय है, तो राइट आंसर हो जाएगा तपम, यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न, 34 नंबर, 34 नंबर प्रश्न है, तत्व प्रत्यय से बना कौन सा शब्द है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 34 का, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, पुरुषोत्तम, यहाँ पे सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं अगला प्रश्न, 35 नंबर, 35 नंबर प्रश्न है, आसिम इम असी किस धातु का रूप है, तो राइट आंसर हो जाएगा 35 का, असा, यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, इंद्र प्लस डिंस से कौन सा शब्द बना है, तो इंद्राणी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न, किस शब्द में डीप प्रत्यय है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, 43 नंबर, स्वतंत्रता खाली स्थान इस सूत्र के रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्दों से करें, तो राइट आंसर हो जाएगा 43 का, यहाँ पे ध्यान से देखिए, राइट आंसर हो जाएगा इसका कर्ता, यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न, क्रिया विशेषण में कौन सी विभक्ति होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय, यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, हिमालय गंगा प्रभावती, यहाँ हिमालय के पद में पश्चिमी विभक्ति की इस सूत्र से हुई है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, भूव प्रभस, जो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन है, तो गंगा, यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न, व्याघ्र पथिका पाठ में किसके प्रभाव के कारण का वर्णन किया गया है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, लोभ। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, सुवर्ण कंगण ग्रहणतम यह किसने कहा था, तो बाघ ने कहा था, तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न, ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश करता है, तो शक्र, यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न, शिक्षक शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो राइट आंसर हो जाएगा 50 का, यहाँ पे देखिए ध्यान से,
यहाँ पे चप, यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। 51 नंबर, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। 51 नंबर प्रश्न है, अध्यात्म शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो राइट आंसर हो जाएगा अधि, यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। नी उपसर्ग में किस शब्द का शब्द नी उपसर्ग में किस शब्द में है, तो राइट आंसर हो जाएगा नी उपसर्ग किस शब्द में है, तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे निर्धन, यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं अगला प्रश्न। पूजनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो राइट आंसर हो जाएगा अनियर, यहाँ पे ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं अगला प्रश्न। 54 नंबर, 54 नंबर प्रश्न है, लिख प्लस लिखा प्लस लिख प्लस लट्यूट में कौन सा शब्द बनेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा लिखनम, यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिए। 55 नंबर प्रश्न है, किस शब्द में श्रित प्रत्यय है, तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा स्थापनम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है, आलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है, तो विद्यापति, यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। नीतिकार आलस्य को मानते हैं, शत्रु मानते हैं, तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। बीरेन कैसा था, तो दानशील था, यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सर्व शुक्ला सरस्वती किसकी उपाधि है, तो राइट आंसर हो जाएगा किसकी उक्ति है, तो राइट आंसर हो जाएगा दांडी, यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिए। 60 नंबर, जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल कौन थी, तो राइट आंसर हो जाएगा गर की, यहाँ पे 60% सही हुआ है। जितना भी आपका सही है कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं कुछ ऐसे ही वीडियो में।